हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया था उसमें हमने चार क्वेश्चन किए थे, तो चार क्वेश्चन में से हमारे पास जो दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था हमारे पास एलएस इंट्रैक्शन एनर्जी एंड सेकेंड क्वेश्चन था हमारे पास जे इंट्रैक्शन एनर्जी। तो ये दोनों टॉपिक्स की जो वीडियोस हैं, ये दोनों टॉपिक्स की वीडियो आपके पास अवेलेबल हैं हमारे पास चैनल पे, तो आप वो दोनों वीडियोस तो वहाँ से देख लेंगे, बट फिर भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप मुझे बता देंगे। तो इसके अलावा आपके असाइनमेंट के जो दो और क्वेश्चन थे मैं यहाँ पर वो डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, मैंने आपको डी स्केयर कॉन्फ़िगरेशन का एग्ज़ाम्पल दिया था करने के लिए। देखिए ये रहा हमारे पास डी स्केयर कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, डी स्केयर कॉन्फ़िगरेशन हमें इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट दोनों के हिसाब से करने थी, तो वही मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, नॉन इक्विवेलेंट में हमारे पास हमने बताया था एन और एल, जो ये सब ग्रुप होता है ये हमारे पास सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें यही हमारे पास होता है, देखो डी स्केयर नॉन इक्विवेलेंट में हमारे पास सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। देखो जैसे कि मैंने इसका लिखा हुआ है, देखिए डी स्केयर का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डी एस, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग कि हमारे पास 1d × 1d, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डी में है और एक इलेक्ट्रॉन जी में, उन दोनों की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास 1 और 1 है। तो देखिए एन की वैल्यू दोनों के लिए 1 हो जाएगी, L1 और L2 की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो जाएगी, और सेम अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास कितना है S1, हमारे पास कितना होगा, हमारे पास अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन तो उसकी स्पिन हमारे पास हाफ होगी, वही मैंने किया। तो देखिए सिंपल हमारे पास क्या है, L1 और L2 हमारे पास दिया हुआ है, क्या अप्लाई करेंगे यहाँ से LL कपलिंग अप्लाई करेंगे। LL कपलिंग का मतलब क्या होता है, हमारे पास इसकी वैल्यू लाई करती है L1 प्लस L2 के मैग्नीट्यूड से लेके L1 माइनस L2, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएंगे कैपिटल L की, दैट इज़ अ 0, 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली S1 S2 है और यहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे SS कपलिंग, तो SS कपलिंग अप्लाई करके आपको क्या वैल्यू मिल जाएंगी, 0 और 1। SS कपलिंग हमारे पास कैसे अप्लाई करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ S1 प्लस S2 से लेकर S1 माइनस S2 तक। देखिए नॉन इक्विवेलेंट में हमारे पास क्या होता है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना दीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे कि L की वैल्यू जो मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4 है, ये सारी वैल्यू एक बार S इक्वल टू में जो 0 है इससे कंबाइन होगी, फिर एक बार S इक्वल टू में जो 1 है एक बार उससे कंबाइन होगी, ठीक है। तो वही मैंने किया है, देखिए मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने लिख दिया सारी के सारी हमारे पास, देखिए मैंने L इक्वल टू में 0, 1, 2, 3 सारी वैल्यू लिख दी और इस सारी वैल्यू को एक बार S इक्वल टू 0 से कंबाइन करवा लिया। S इक्वल टू 0 से कंबाइन करवाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, J निकाल लेंगे, हमारे पास क्या अप्लाई करेंगे, J इज इक्वल टू होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ L प्लस S से लेके मैग्नीट्यूड ऑफ L माइनस S तक, तो ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास J की वैल्यू आ जाएंगी और ये पॉसिबल वैल्यूज आप लोग लिख लेंगे, ये हम काफ़ी बार बता चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आप सारे वैल्यू लिख लेंगे, एक बार बता देती हूँ क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारे पास 2s + 1, ठीक है, और यहाँ पे होता है L की वैल्यू और नीचे यहाँ पे होती है हमारे पास J की वैल्यू, कुछ इस तरह से लिखते हैं। आप लोग ये लिख लेंगे सारे के सारे सिंबल निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फिर मैं क्या करूँगी, एक बार ये जो सारे के सारे पॉसिबल वैल्यू हैं इस सारी पॉसिबल वैल्यू को S इक्वल टू 1 से कंबाइन करवाएंगे, पॉसिबल J वैल्यू निकाल देंगे और ये कॉम्बिनेशन लिख देंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप इसे पूछ लीजिएगा। तो टोटल अगर आप इस टर्म को काउंट करेंगे स्टूडेंट्स, तो टोटल हमारे पास देखिए 18 टर्म्स बनेंगी। ये हम लोगों ने किसी हेल्प से बना दी, ये हमने बना दी नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट करते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में हमारे पास क्या, इससे हमारे बोलते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में हमारे पास हमेशा हमारे पास क्या होगा, N और L की वैल्यू सेम होगी, और N और L की वैल्यू तो सेम है ही, इसे क्योंकि N की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू 2 है, तो ये इक्विवेलेंट हमारे पास इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या कहा, हमारे पास N और L की वैल्यू इसमें हमारे पास हमेशा सेम ही होगी, तो देखिए सेम ही तो है, हमारे पास कितनी है, अगर हम बात करूँ देखिए N की वैल्यू हमारे पास 1 है, दूसरे केस के लिए भी N की वैल्यू 1 है, इस केस के लिए L की वैल्यू 2 है, इस केस के लिए भी L की वैल्यू 2 है, देखो हमारे पास सेम NL सब ग्रुप होगा। तो ये मेरे पास किसका एग्जांपल हुआ, ये हमारे पास एग्जांपल हुआ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का,
ठीक है। तो देखिए अब मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एस इक्वल टू 0, 1। देखो मैंने इसमें आपको समझाने के लिए एक बेरिट स्कीम बताई थी, वो बेरिट स्कीम अगर आपको समझनी हो तो मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि आपने इसको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से लर्न कैसे करना है। देखिए एल की हमारे पास 0 और एल की जो इवन वैल्यू होंगी वो सारी के सारी एस इक्वल टू 0 से कंबाइन होगी। आई रिपीट स्टूडेंट, एल की 0 और एल की जितनी भी इवन वैल्यूज होंगी वो सारी एस इक्वल टू 0 से कंबाइन होगी, और जो एल की जो ओड वैल्यूज होंगी वो एस इक्वल टू 1 से कंबाइन होगी। ये देखिए हमारे पास पॉसिबल वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है हमारे पास 0, 1, 2 एंड 3, हमारे पास ये पॉसिबल वैल्यू है। तो हमारे पास देखो ये मेरे पास रहा 0 और एक इसमें वैल्यू रही 2 और एक इसमें वैल्यू रही 4, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएंगी एस इक्वल टू 0 से। एस इक्वल टू 0 से कंबाइन होने के बाद पॉसिबल वैल्यू देखिए कितनी आ जाएंगी, पॉसिबल वैल्यू आ जाएंगी j और ये टर्म आप लिख लेंगे। सिमिलरली देखिए अगर हमारे पास l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 और 3 थी, इसको जब s इक्वल टू 1 से कंबाइन करवाएंगे तो s इक्वल टू 1 से कंबाइन पॉसिबल वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से आप लोग इसकी टर्म भी लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टोटल जो टर्म्स आएंगी वो 9 आएंगी। तो देखिए अब हमारे पास ऊपर देखिए हमने नॉन इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास टोटल 18 आई थी और इक्विवेलेंट में हमारे पास 9 आ जाएंगे। तो यही हमारे पास डिफरेंस है डी स्क्वायर कॉन्फिगरेशन का। तो एग्ज़ाम में आपके पास कोई भी आ सकती है, अगर आप किसी के माइंड में ये डाउट हो तो कि जो बेरिट स्कीम है या वो एग्ज़ाम में करनी है, नहीं स्टूडेंट्स वो कोई ज़रूरी नहीं है आपको एग्ज़ाम में करने के लिए। आपको हमारे पास मेनली हमारे पास जो पर्पस है ना एग्ज़ाम में, हमने टोटल टर्म निकाल के दिखानी है, ठीक है। जैसे टोटल टर्म में 9 निकाल दी, अगर वो अब वो जो स्कीम थी वो सिर्फ आपको समझने के लिए थी कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो वो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वो करनी ही करनी है एग्ज़ाम में। इट्स डिपेंड्स ऑन टोटली, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टोटल एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस स्टेट, ठीक है। ये आपको स्टेट दे रखी है। देखो सबसे पहले तो स्टूडेंट इस स्टेट से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस स्टेट से हम लोग एल निकाल सकते हैं, कैपिटल एस निकाल सकते हैं और जे निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम वही करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपको पता है जो ये वाली जो टर्म होती है जो 4 लिखा हुआ है, ये 2s+1 के इक्वल होती है। देखो 2s+1 इक्वल टू 4, एस की वैल्यू आ जाएगी 3/2। डी है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एल की वैल्यू 2 आ जाएगी। और नीचे हमारे पास लिखा हुआ ये वाली वैल्यू जे होती है तो मैंने जे लिख दिया। हमें यहाँ से यही इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन ले ली। अब क्वेश्चन देखिए रीड करिए कि क्या कह रहे हैं, हमें एंगल निकालना है एंगल बिटवीन द टोटल एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। हमें टोटल और ऑर्बिटल के बीच में निकालना है। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है जे इज इक्वल टू में एल प्लस में एस होता है। अगर मैं टोटल की बात करूँ टोटल है मेरे पास जे, ऑर्बिटल की बात करूँ तो मतलब एल। हमें एंगल जे और एल के बीच में निकालना है। अब देखिए जब हमें एंगल जे और एल के बीच में निकालना है तो देखिए अब आप लोग ये नहीं करेंगे कि अब आप लोग एक मिस्टेक यहाँ पे ये कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, दोनों साइड यहाँ पे जैसे मैंने मान लीजिए मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास जे इज़ इक्वल टू में एल प्लस में एस है, तो दोनों साइड स्केयरिंग अप्लाई करेंगे। दोनों साइड स्केयरिंग अप्लाई करने के बाद आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे, जे स्केयर इज़ इक्वल टू में एल स्केयर प्लस में एस स्केयर प्लस में ट्वाइस ऑफ एल इंटू में एस इंटू में कोस थीटा, ठीक है। आप लोग ये करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ये गलती मत करना, यहाँ पे आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। रीज़न सुनिए क्यों। देखिए आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है एंगल निकालना, आपको टोटल और जे और एल के बीच में एंगल निकालना है। तो जब आपको स्केयरिंग करने से पहले आपको जे और एल को साथ में करना पड़ेगा। जे और एल को साथ में करने का मतलब है कि हमारे पास देखो अगर जे इज़ इक्वल टू एल प्लस एस था तो आप लोग क्या करेंगे, एस इज़ इक्वल टू में जे माइनस एल, इस तरह से करेंगे। देखो हमें एंगल टॉट
जे और एल के बीच में निकालना, तो मैंने देखो जे और एल को ऐसे एक साथ कर लो। यहाँ पे देखो अगर आपको हो, यहाँ पे जे और एल एक साथ नहीं है, देखो जे इक्वल यहाँ पे एल और एस एक साथ हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता कि एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल एंड द स्पिन, तो आप दोनों साइड स्केयरिंग करके निकाल देते, पर जब एंगल आपके पास आ रहा है जे और एल, तो आपको इस तरह से इकट्ठा करना पड़ेगा। बस अब सिंपल है स्टूडेंट, आप दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्केयरिंग अप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा, एस स्केयर इज इक्वल टू जे स्केयर प्लस एल स्केयर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ जे इंटू में एल। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आ जाइए ऊपर, ये देखिए मैंने वही किया, जे इज इक्वल, देखिए ये स्टेप, देखिए जे इज इक्वल टू एल प्लस में एस। जे और एल को एंगल पूछा है, तो मैंने जे और एल को साथ में कर लिया, दोनों साइड स्केयरिंग अप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो हमने एंगल जे और एल के बीच में निकालना, तो इसको हम जे और एल को एक साइड ले आए, ठीक है, और एस स्केयर को इस साइड ले आए, ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने। फिर देखिए उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वही सेम देखो जे डॉट एल है हमारे पास, तो जे डॉट एल है तो मेरे पास कितना आएगा, डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, ठीक है, कॉस थीटा आएगा ना स्टूडेंट। देखिए सिंपल है स्टूडेंट्स, क्या कर रखा है ये देखिए, मैं यहाँ पर पकड़ कर दिखाती हूँ। देखिए हमारे पास कितना आ गया था, s इज इक्वल टू आ गया हमारे पास j माइनस का l, तो यहाँ से आ गया हमारे पास s स्केयर इज इक्वल टू में j स्केयर प्लस l का स्केयर माइनस ऑफ ट्वाइस इंटू जे एल इंटू में cos थीटा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ j l इंटू में cos थीटा हमारे पास यहीं आ गया, ये आ गया j स्केयर प्लस l स्केयर माइनस का s का स्केयर, हमें तो एंगल निकालना है ना। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा को ही हमारे पास यहाँ रखेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जे स्केयर प्लस एल स्केयर माइनस का एस स्केयर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जे इंटू में एल बस। अब आपको ये सारा सॉल्व करना है, और जैसे हमने क्वेश्चन में किया था हमें जे एल और एस सारे की वैल्यू पता है, तो आप ये सारी वैल्यू पुट कर सकते। देखो जे स्केयर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जे इंटू जे प्लस वन, एल स्केयर की वैल्यू एल इंटू एल प्लस वन, एस की वैल्यू एस इंटू एल प्लस वन, और सिंपल जे की वैल्यू क्या पुट करेंगे, रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस में वन। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यू आप पुट कर देंगे, और यहाँ से आपके पास ये देखिए स्टूडेंट ये सारा सॉल्व कर रखा है, एंगल निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री 52 मिनट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन तो मैंने तरीका बता दिया कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हो। ठीक है, हमेशा जब भी एंगल निकालोगे ये मत करना कि जब कभी भी एंगल पूछ लिया तो हमेशा जे इक्वल टू एल प्लस लो और उसके पास स्केयर अप्लाई कर दो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको एंगल निकालना तो आपको देखना पड़ेगा कि वो किस किस के बीच में एंगल पूछ रहा है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो टॉपिक थे हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं, और उन दोनों क्वेश्चंस का आपके पास सॉल्यूशंस, आपके पास ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है तो वो आप देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड यूनिट की रिवीजन हमारे पास कंप्लीट होती है, नेक्स्ट हम फोर्थ यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स की, वो भी आपको जल्दी ही उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए आप इतना ही कीजिए, ओके थैंक यू।